Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my official YouTube channel, Ginger Sports YouTube channel. आप सब लोग देख रहे हैं और आज इस वीडियो यानी कि आज के शो के अंदर आपके साथ डिस्कशन करेंगे दो चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज 4T20 मैच आज खेला जा रहा है, उसकी वेदर की क्या अपडेट है, वो सारा सीन क्या चल रहा है वो आपको बताऊँगा, आपके साथ डिस्कस करेंगे. और नंबर टू के ऊपर आपके साथ बात करेंगे कि आप प्लेइंग 11 हो सकती है. एंड देन स्टार्ट भी इसी से करते हैं कि कुछ इंडियन दोस्त हैं हमारे, वो बड़ा कहते हैं यार पर हो लेकिन खुद उनको तमीज़ तक नहीं है. वो तमीज़ भी नहीं है उनको बोलने, मतलब लिखने के कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो, तो गालियाँ देने के अलावा उनको कुछ आता नहीं है. उसके ऊपर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट थिंग, इसी चीज़ से शुरू करते हैं. सबसे पहले इस चीज़ में भी जो उसका सब आप कह सकते हैं सब हेडिंग हो सकती है वो ये है कि यार पाकिस्तानी यूट्यूबर्स क्यों वीडियो बनाते हैं, इंडिया से व्यूज़ लेते हैं, इंडिया से पैसे कमाते हैं, तो ना देखा करो ना, किसने क्या देखने को. जब आपको लगता है कि ऐसा होता है फिर भी आप देखते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, तो ना किया करो. सिंपल इज दैट. किसी ने लिखा, टाइटल पर लिखा होता है, चैनल का नाम लिखा होता है, नज़र आ रहा होता है, तो ना करो ना भाई. आप जब पता कि टाइटल ये है, चैनल में ये बात हो रही है, कौन सा चैनल है, पाकिस्तानी है, तो क्या मसला है फिर आपको. फिर आप आके कमेंट कर रहे हो देखो ये पाकिस्तान है यूट्यूबर जो है वो इंडिया से पैसे कमाते हैं, तो ना देखो आप. किसी ने फोर्स थोड़ी किया आपको देखने को. जब नीड ही वो है, जब मार्केट इंडिया में है, जो कोई डिजाइन नहीं कर सकता तो बनाएंगे क्यों नहीं बनाएंगे, आपको मसला है कोई, ना देखो. सिंपल इज दैट. उसके बाद कुछ लोग हैं वो कमेंट करते हैं, वो मतलब ये वो साथ 3-4 प्यारी प्यारी गालियाँ लिखते हैं और फिर वो कीबोर्ड के पीछे छुप के ऐसे बनते जैसे वो पूरी दुनिया पर राज करते हैं और मतलब सब कुछ वो मतलब मैं कहता हूँ ऐसी गालियाँ पे साथ टुक टू कौन होता है ये वो सब कुछ, तो फिर वो साथ देखते हैं बेटा जाके पर. ठीक है भाई, पहले आप तमीज़ पढ़ें, उसके बाद आके आप मुझे भी पढ़ा लीजिएगा. पहले जाके आप प्लीज़ एथिक्स सीख लें थोड़े से, एक दो एथिक्स मतलब बात करने की तमीज़ तो सीख लेना कम से कम, फिर आइएगा बात करिएगा. और जहाँ तक बात रही मेरी पढ़ाई की, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, मतलब बहुत फर्स्ट क्लास जा रही हो, मैंने रिजल्ट बताया भी था, लेकिन नहीं आपको वो कहाँ देखेंगे, आपने तो बस कीबोर्ड वॉरियर बनना है. तो कीप योर जॉब अप, तमीज़ सीखें आके, फिर आ जाएँ जो मर्ज़ी बोलें जो मर्ज़ी करें. अगर नहीं सीखनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब फिर तो आई कैन डू नथिंग अबाउट दैट. Now coming on to the next thing and the last thing is, no, second last thing in fact. Last time was West Indies 4T20 weather update. तो weather की जो सूरत हाल रहने वाली है, weather जो scenes कुछ ऐसे हैं कि बारिश होगी और आज भी बारिश expected तो है. weather है कि वो बता रहे हैं कि बारिश आज expected है और 11 से लेके 2 बजे तक गिवाना का जो time है उसमें बारिश होगी और 50% chances है, उसके बाद शायद ख़त्म हो जाएगी. scattered thunderstorms हैं, तो let's hope के शायद क्रिकेट से ग्राउंड के अंदर बारिश कम हो या ना हो, क्योंकि अगर आज भी 3 घंटे बारिश होती है तो आज का भी मैच बहुत मुश्किल हो जाएगा करवाना. तो let's see क्या सारा scenario बनता है. बट अब थोड़ी बारिश होती है, जैसे पिछली बार भी बारिश हुई, थोड़ी हुई मतलब ज़्यादा हुई, लेकिन वो जल्दी रुक गई, 1.5 घंटे पहले रुकी, तो चांसेस थे मैच के. अगर कोई 15-20 मिनट पहले रुकती होती तो शायद मैच हो भी जाता, क्योंकि ग्राउंडमैन ने बहुत कमाल किस्म का काम किया था. अब लेट्स सी आज का क्या सारा सिनेरियो रहता है, क्योंकि अभी इस वक्त तो घिवाना के अंदर शायद अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है, तो लेट्स सी. बट एट द एंड ऑफ द डे जो होना है वो अल्लाह ताला की मर्जी से हो रहा, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के जो अच्छे के लिए और मैच भी हमें देखने को मिले, क्योंकि यार फ्रस्ट्रेशन हो रही है थोड़ी बहुत सी, यू नो ये पूरी सीरीज पाकिस्तान की यहाँ पर बारिश की वजह से ज़ाया हुई है और जो प्रैक्टिस पाकिस्तान ने करनी थी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप से पहले वो पाकिस्तान की मिस हुई है. तो यार जो चेंजेस चेक करने थे, जैसे वसीम जूनियर को भी सिर्फ एक मैच मिला, चले एक में उन्होंने 2 ओवर्स करवाए, तो आई थिंक आज आजम खान बैक है, फिट है, तो आई थिंक उनको चांस मिलना चाहिए. और सुहेब मकसूद, क्योंकि सुहेब मकसूद को आपने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया है, एंड देन एट लास्ट आपको मेरे ख्याल से चांस देना चाहिए यहाँ पर मोहम्मद वसीम जूनियर को, सिर्फ एक चेंज मेरे हिसाब से बनता है. उसके अलावा शहजाद खान को आपको रेस्ट देना चाहिए यार, बिल्कुल मतलब पिछले मैच में रीजनेबल थे बट नॉट दैट जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो इमाद वसीम को खेलना चाहिए. नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट थिंग जो कि है अबाउट पाकिस्तान प्लेइंग 11, वो भी हमने इनफैक्ट डिस्कस कर ही ली. तो बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. बाय बाय.